हिम्मत भाई, आपने ठाकुर साहब से झूठ क्यों बोला कि आपने सूरज को मरवा डाला? अरे मेरे बाप, अगर मैं ठाकुर साहब से झूठ नहीं बोलता तो वो मेरी फाट डालता। इतनी दज्जा बिखेरता कि सीना मुश्किल हो जाता। साले सूरज का मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिम्मत भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर। हिम्मत भाई कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ ठाकुर साहब, मुझे बचाओ। छोड़ मुझे, कौन है तू? आपने पहचाना नहीं तो सूरज भी नहीं पहचानेगा। हिम्मत भाई, ये क्या हरकत है? हिम्मत, क्या हरकत है ये? मुझे बचाओ, उस जख्मी शेर से मुझे बचाओ, वरना वो सूरज फुल बैंड बाजे के साथ मेरी आरती सजा डालेगा। सूरज, लेकिन तूने तो कहा था कि झूठ बोला था, नहीं तो आप मेरी घंटी बजा डालते। लेकिन उससे कैसे पता चला कि मैं योगराज को जानता हूं? लेकिन वो योगराज को ढूंढ क्यों रहा है? मेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे सूरज जैसा दुश्मन खड़ा हो गया? बता हिम्मत कहां है? बता हिम्मत कहां है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वेरी गुड। मिस्टर राजा, आप चाहे तो अपनी माँ को ले जा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा आपको। ओके, शी इज वेरी वीक। ओके, टेक केयर। नमस्ते डॉक्टर। माँ चले, लेट मी टेक यू होम। चलो बेटा। आ गए? सपना, आज तो मैंने ठान लिया था कि तुमसे मिलकर ही रहूंगी। क्यों, क्या हो, क्या गया तुम्हें सूरज? मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे सूरज? अक्सर मुझे यूं लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा मिलोगे तो वो बात खुल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है सपना, देखो रात हो गई, तुम जाकर सो जाओ। सूरज, कैसे दोस्त हो तुम? एटलीस्ट मुझे बर्थडे तो विश करो। आज तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। थैंक्स। आज अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? जो भी मांगो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो कल तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आओगे? बस आऊंगा। बहाना बनाकर टाल तो नहीं दोगे? देखो प्रॉमिस किया है। जरूर आऊंगा। Hey, this is beautiful. Can you give me this one? Sure, sir. Like nicely, yeah. अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? इसे क्यों दिखा रही हैं? Sorry sir, ये हार बिका हुआ है, आप कुछ और देख लीजिए। अरे sir, please. मुझे ये बहुत पसंद है और बाकी हार मैं देख चुका हूँ। आप चाहें तो same design का हार हम आपके लिए भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। आज बात है, आज किसी को देना है, please try. अच्छा, जिन्होंने पसंद किया है ना, मैं उनको फोन करके देखता हूँ, हो सकता है उन्हें जल्दी ना हो। एक सेकंड सर। सपना, हाँ? पार्टी के लिए जगह कैसी रहेगी? आप तो भूल भी गए। अरे भाई, वो बलवंत साहब, जुगनू जी, सारी फैमिली के साथ आए थे ना आप, और उनके साथ वो मेहमान थी, क्या नाम था उनका? सपना। हाँ सपना जी, उनके लिए पसंद करके रखवाया था आपने, याद आया सूरज साहब? हाँ याद आया। देखिए अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप किसी को भी बेच सकते हैं। ओके, यू आर लकी सर, हार आप ले सकते हैं। जी आज हमारे बीच मौजूद श्री राजपाल ठाकुर साहब हम लोगों को बताएंगे कि बलात्कारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब, इंसान क्यों ये भूल जाता है कि उसे एक औरत ने ही जन्म दिया है? क्यों वो उसी औरत को अपनी हवस का शिकार बनाता है, उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ बलात्कार करता है? हमारी नजर में बलात्कार कत्ल से बड़ा जुर्म है, क्योंकि कत्ल में तो इंसान सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन बलात्कार उसे बार बार मारता है, जिंदगी भर मारता है। और औरत जिंदगी भर इस बात के लिए परेशान रहती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं।
और भगवान का सबसे बड़ा वरदान, औरत का दर्जा भगवान के समकक्ष है। लेकिन पता नहीं क्यों हवस की आग में अंधे होकर कुछ शैतान उस पवित्र मूरत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ऐसा घिनौना काम करने वालों को सिर्फ 7 साल की सजा नहीं बल्कि उन्हें सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। शुक्रिया। सर, ये इसी होटल का मालिक है सूरज, और ये वही लड़का है जिसने आपकी फाइल। बाकी सारे लोगों की तालियों में हमने अपने लिए मान सम्मान पाया, लेकिन आपकी ताली हमारा मजाक उड़ा रही है, ऐसा लगा मुझे। मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही है। आपको नहीं लगता उसे गोली मारकर उसकी मौत आसान हो जाएगी? तो फिर कैसी सजा देनी चाहिए उसे? उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए जिन आंखों से उसने औरत को हवस की नजर से देखा, उसके वो हाथ काट देने चाहिए जिन हाथों से उसने औरत का आंचल खींचकर उसे बेइज्जत किया, उसे सड़क पर खड़ा करके कोड़ों से मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि उसके जिस्म का जरा जरा जख्मी होकर माफी की भीख मांगे। वाह, कैसी अच्छी सजा सोची है आपने, इतनी नफरत। इतनी नफरत की कोई खास वजह? बुराई से नफरत करने के लिए कोई वजह की जरूरत पड़ती है आपको ठाकुर? ठाकुर साहब, बड़े दिलचस्प इंसान लगे तुम हमें। फिर आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही, सच बोलने वाले दिलचस्प नहीं कड़वे लगते हैं। भाई हो सकता है फिर हमारी जुबान हमारे चेहरे का साथ ना दे, लेकिन तुम जैसे लोग हमें बहुत पसंद हैं। लेकिन आंख हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। आखिर इतने बुरे क्यों लगे हम तुम्हें? हमारी पहली मुलाकात है। नहीं ठाकुर साहब, हम अजनबी नहीं, मिल चुके हैं। कहाँ? पता नहीं, लेकिन मिल चुके हैं। मैं समझ गया हिम्मत कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम सिर्फ देखो कि मैं तुम्हारे शेर को कैसे भीगी भीली बनाता हूं। चलो ड्राइवर। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि जो बार बार माँ को दौरे पड़ते हैं उसके पीछे वजह क्या है? मेरे लिए ये बात कहनी जितनी मुश्किल होगी उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए सुननी मुश्किल होगी। बरसों पहले तुम्हारी मां के साथ एक हादसा हुआ था। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था, तो वो बात नसीब जिसे हमसे अलग करके शहर में छोड़ दिया गया तो सूरज है ना? बड़े भाई, बड़े भाई, मैं इधर हूं। राजा, मुझे यहां पर क्यों बुलाया तूने? क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी थी ना ही वो हवेली में हो सकती थी और ना ही आपके घर में, और फिर पी इसलिए ली थी क्योंकि होश में तो ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। I'm sorry। ऐसी क्या बात है राजा? राजा,
अभी से राजा, छोटे भाई कह के नहीं बुलाओगे बड़े भैया? गले नहीं लगाओगे? गले नहीं लगाओगे? आपके एहसान को, आपके प्यार को, आपकी कुर्बानियों की किसी भी चीज को समझ नहीं पाए बड़े भैया। और आज पता चला कि बड़ा भाई सचमुच कितना बड़ा होता है। हाँ भैया, भाइयों कर भी कितनी अलग अलग किस्मत है हमारी। सारे सुख मुझे और सारे दुख आपको, सारी खुशियां मेरे हिस्से में और सारे गम आपके हिस्से में। वहां का सारा प्यार मुझे मिला और आपको सिर्फ नफरत। मां के मुंह से बेटा कहके बुलाने वाली आवाज को भी आप तरस गए। भैया, आपकी तकलीफों के बारे में सोचता हो ना तो भी अब कोई तकलीफ नहीं है राजा, मेरा भाई मेरे पास है। अगर ये सच है तो सूरज ने अपने खत तुम्हें क्यों दिए? क्योंकि वो मेरा भाई है सपना। छोटे भाई की खुशियों के लिए अक्सर अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं बड़े भाई। सपना मेरे भाई को उसकी जिंदगी में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं मिला। तुम तो जानती हो बदनसीबी कैसे उसके साथ साथ चलती है। ऐसे भाई की कुर्बानियों का मैं क्या जवाब दूं? सपना मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह बचपन में मैंने उसे उसकी मां छीनी थी, आज बड़ा होकर उसे उसका प्यार छीन लो। सपना मेरी, सपना सूरज, एक सच बात बताओगे? पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल हुआ? सीधा और बिल्कुल साफ। तुम्ही ने कहा था ना, प्यार का रिश्ता एक अजीब रिश्ता होता है। दुनिया के सारे रिश्ते इसे एक रिश्ते में सिमट कर आ जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ सूरज, ये सारे खत तुमने मेरे लिए लिखे थे? सिर्फ प्यार का रिश्ता ही सब कुछ होता है, दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे दिल में ये शक आया भी कैसे? इन खतों की वजह से, इसमें जो नाम लिखा है सपना, उसकी वजह से? अरे क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सपना है? इत्तेफाक से जिस लड़की को मैंने चाहा, उसका नाम भी सपना था। क्या? वो मेरी नहीं हुई, किसी और की हो गई। खैर, मुझे क्या पता था कि मेरे खत मेरे भाई के काम आएंगे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी दोस्ती को नहीं समझ पाई।
I'm sorry. Dost.